मौसम विज्ञान विभाग ने पूरे दिल्ली और एनसीआर में धूल भरी आंधी का अलर्ट जारी किया। गाजियाबाद, छपरौला, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में 50 से 70 मीटर किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी आंधी चली। आंधी इतनी तेज थी कि सड़कों पर धूल उड़ने लगे, आने जाने वाली गाड़ियों के पहिए थम गए। मौसम विभाग ने बारिश का भी अनुमान जताया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रिजभूषण के खिलाफ महिला पहलवान यौन शोषण मामले में आरोप तय करने के आदेश दिए। राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के बाद सांसद ब्रिजभूषण सिंह ने कहा कि अदालत ने आज आरोप तय कर दिए हैं। एक मामले को छोड़कर बाकी सभी मामलों में आरोप तय किए गए हैं। मैं न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करता हूं और अब मेरे लिए दरवाजे खुले हैं। प्रथम दृष्टया आज कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। चार सीट पहले लगी थी, मैंने उसे प्रोटेस्ट किया था जिसे कोर्ट ने नहीं माना और एक केस को छोड़ करके बाकी केस में उन्होंने चार्ज फ्रेम किया है। मुझे न्यायपालिका के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और अब मेरे लिए रास्ते खुल गए, क्योंकि जब चार्ज पर आप अपनी बात रखते हैं तो कोई सबूत, कोई गवाह, कोई साक्ष्य आप अलग से नहीं रख सकते हैं। जो पुलिस ने चार्ज में लगाया है उसी के इर्द गिर्द आपको रहना पड़ता है और न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत है। छठे चरण में अंबेडकर नगर में चुनाव होना है। बीजेपी ने अंबेडकर नगर से रितेश पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है। रितेश पांडे से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अमित गर्ग शुक्ला ने। कैसी चल रही तैयारियां चुनाव की? फर्स्ट क्लास है और जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और हम लोग ये चुनाव भारी बहुमत से जीत रहे हैं। 2019 वाले से ज्यादा अंतर से? बिल्कुल हाँ। बहुत ज्यादा अंतर है, डबल के लगभग। डबल के अंतर जी। क्या फैक्टर रहेंगे जिसके आधार पर आपको लग रहा है कि इस बार जीत का अंतर और बढ़ने वाला है? देखिए, एक तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हुए हैं जमीनी स्तर पे, निश्चित रूप से उसका अत्यंत ही फायदा जो है यहाँ पे इस चुनाव में मिल रहा है। चाहे अम्बेडकर नगर में अगर आप देखेंगे तो आयुष्मान कार्ड लगभग 8 लाख आयुष्मान कार्ड यहाँ पे गए हैं, 4 लाख लोगों को शौचालय मिला है, 4 लाख परिवारों को, लगभग यहाँ पे 80,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजनाएं मिली हैं। तो जो क्रियान्वयन हुआ है गवर्नमेंट स्कीम्स का वो बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। जनता को ये एहसास है कि इतने वर्षों से लोग वोट देते चले आए हैं दूसरी पार्टियों को, लेकिन आज उनके जीवन में परिवर्तन, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था में आज ज़्यादा सुचारू रूप से बिजली मिलती है, वोल्टेज अच्छा आ रहा है और उसी के साथ साथ पानी की व्यवस्था को अगर आप लिखेंगे, हर गांव में पानी की टंकी बन रही है और पाइपलाइन बिछाई जा रही है ताकि हर घर में नल पहुंचे, हर घर नल योजना के तहत, तो पक्के आवास हैं, ये सारी की सारी चीजें। डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर आपको लग रहा है कि आप इस बार पिछली बार के मुकाबले ज्यादा अंतर से जीतेंगे? निश्चित। सामने गठबंधन प्रत्याशी हैं लालजी वर्मा, कभी आपके साथी हुआ करते थे, आज आपका मुकाबला उनसे है। गठबंधन प्रत्याशी का और गठबंधन का ये कहना है कि हमारे एक साथ आ जाने से हमारा जो वोट बैंक है वो भी एक साथ आ रहा है। जी, आपको लग रहा है कि उधर दल और दिल सब मिल गए हैं, आपके लिए चुनौती होगी या फिर आपके वोटर आपके साथ हैं? देखिए, जो परिस्थितियां, हमारे वोटर तो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं जी। और रही उनकी बात तो उन्हें तो अपना खेमा, रोज वो टिकट बदलते हैं, रोज समीकरण को अपना बैठाने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सामने दिखता है कि उधर ज्यादा केओस दिखता है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में आप देख रहे हैं कि एक निश्चित निर्णय के साथ आगे बढ़ा जा रहा है और सारी की सारी तैयारियां
बखूबी उसको जमीनी स्तर पे उतार करके चुनाव को बहुत गति दे करके जो है लड़ने का कार्य किया जा रहा है। मैं लेकिन यहाँ कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था तो लोग कह रहे थे कि देखिए, एक तो SC आबादी सबसे ज्यादा यहाँ पर है जी, दूसरा मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा यहाँ पर है। अगर उस जाति और धार्मिक समीकरण को देखें तो उस लिहाज से आपके लिए चुनौती यहाँ पर इस बार गहरी है, बड़ी है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा है कि यहाँ पे चुनाव अगर आप जाति आधार पर भी देखेंगे, उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी अति पिछड़े वर्ग की है और वो अति पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी का अपना कोर वोट भी है और ऐसी कोई बिरादरी नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है जिससे भारतीय जनता पार्टी को वोट न मिल रहा हो। वो भले ही अपना एक एक जाति समीकरण को पकड़ करके चल रहे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अक्रॉस द बोर्ड वोट पा रही है। जाति की बाउंड्री को आपने तोड़ा जी। जिस रितेश पांडे को मैंने पहली बार देखा था उत्तर प्रदेश विधानसभा के भीतर जी, तो वो सूट बूट पहने हुए थे, टाई पहने हुए जी, जी। मैंने आपको पहली बार संसद के भीतर देखा तब भी आप सूट बूट टाई में ही थे जी। अभी कुर्ता पजामा और साथ में भगवा गमछा जी, वो ज्यादा बेहतर लगता है? ये दोनों एक समान है। देखिए, यहाँ पे जो कम्फर्ट लेवल है वो कुर्ते पजामे में ज्यादा है और मैं यहाँ का हूँ, लोकल हूँ, ये मेरी मातृभूमि है और मुझे यहाँ पे बहुत आसानी से लोगों से संपर्क करने में, लोगों से मिलने में, अपनी जैसे भी वेशभूषा है उसमें अत्यंत ही आराम रहता है और अच्छा भी लगता है। बहुत से लोग वैसे तो जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं बता दूं कि रितेश जी लंदन रिटर्न्स हैं, वहाँ पे पढ़ाई की है जी। पढ़ाई के बाद वहाँ पे कुछ दिन जॉब भी किया आपने या पढ़ाई करके वापस आ गए? नहीं, मैंने स्पेन में मैं थोड़े दिन जॉब कर रहा था। ठीक है, सारी चीजें बढ़िया है, घर घर होता है और अपना परिवार अपना देश होता है और अपनी मिट्टी में लौट के। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ अम्बेडकर नगर में मैं चाहता था हमेशा कि अपने क्षेत्र के लिए एक स्वच्छ राजनीति के तहत, एक प्रोग्रेसिव राजनीति के तहत काट छांट से ऊपर उठ करके अपने क्षेत्र में एक जो यहाँ की आवाज़ है, जो यहाँ के मुद्दे हैं, उनको निरंतर लोकसभा तक पहुँचाया जाए। या विधानसभा में भी मैं था तो मेरा प्रयास ये था कि जो स्थानीय मुद्दे रहते हैं उनको उठा करके और उनके पीछे गवर्नमेंट के साथ लग करके उनका निस्तारण किया जाए और हम लोग बहुत से ऐसे मुद्दों में सफल रहे। इधर अमेठी में बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के साथ मंच पर सपा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति का परिवार दिखा। भादर ब्लॉक के गोरहा गांव में आयोजित नुक्कड़ सभा में गायत्री प्रजापति का बेटा अनुराग, बेटी अंकिता और बहू ने सांसद स्मृति ईरानी के लिए प्रचार किया। आपको बता दें, गायत्री की पत्नी महाराजी प्रजापति अमेठी विधानसभा से विधायक है। की बेटी अंकिता प्रजापति, आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूं और इतना देर होने के लिए आप सबसे। वाराणसी लोकसभा सीट पर आज नॉमिनेशन का चौथा दिन रहा जिसमें अजब गजब प्रत्याशी भी दिखे। एक प्रत्याशी जहां 25,000 का सिक्का लेकर पहुंचा नॉमिनेशन के लिए, तो वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी घोड़े पर सवार होकर नॉमिनेशन के लिए पहुंचे, जिसके बाद पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में ही चर्चा का विषय बन गए ये दोनों ही। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं अपना एक मुद्दा लेके चुनाव लड़ रहा हूं। रह गया कि माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और महाराज योगी जी, ये महान पुरुष है। जिन देशों में जाते हैं तहलका मच जाता है, चाहे जापान हो चाहे लंदन हो। जिस तरह 1975 में शोले पिक्चर आई थी, गब्बर सिंह, अमजद खान ने गब्बर सिंह का रोल लिया था, माँ बोलती थी बेटा चुप हो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आ जाए, उसी तरह ये महान पुरुष जिस देशों में जाते हैं तहलका मच जाता है। इधर आगरा में चलती कार आग का गोला बन गई, कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह आग के पीछे। आग में देखिए किस तरह से कार धधकती हुई दिख रही है। फ्लाईओवर पर जाम लग गया। इस घटना के बाद, सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। गुरुद्वारा फ्लाईओवर का ये मामला है। सिद्धार्थनगर जिले में चीन का एक नागरिक गिरफ्तार किया गया। नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में अवैध तरीके से घुस रहा था, लेकिन सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी दिखाई और इसे पकड़ लिया। कुछ दिन पहले भी एक चीनी जोड़ा इसी तरह से भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, जिसे गिरफ्तार किया गया था। पुलिस और SSB की टीम के साथ ही संयुक्त पेट्रोलिंग के दौरान बॉर्डर के नजदीक लीला डेहवा गांव से 46 साल के एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। चीनी नागरिक के पास से 1,000 अमेरिकन डॉलर, 3,827 युआन,
2,430 रुपया, नेपाली नोट, एक मोबाइल फोन और एक साइकिल जब्त की गई है। उस बॉर्डर पे एक चाइनीज व्यक्ति जो भारतीय सीमा में बिना वीजा बिना पासपोर्ट के भ्रमण कर रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसके पास कुछ अमेरिकन डॉलर, रुपए, कुछ नेपाली तथा एक अदद मोबाइल बरामद हुआ है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम योन फेन धाउ व जेंसो चाइना का रहने वाला है। द महाराजगंज जनपद से सटे भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर आव्रजन अधिकारी के जांच के दौरान एक ईरानी नागरिक गिरफ्तार किया गया। इसके पास से ईरान और अर्जेंटीना का पासपोर्ट बरामद हुआ है। इसके अलावा वीजा पर इटालियन देशों के स्टैंप लगे हैं। पकड़ा गया ईरानी नागरिक कितने दिन से भारत में रह रहा था, इसके अलावा नेपाल के रास्ते कहां जाना था, इस विषय पर जांच एजेंसियां पड़ताल कर रही हैं। आवर्जन के अधिकारी जब जांच पड़ताल कर रहे थे, उस दौरान पेपर वैध ना होने पर जब पूरी जांच पड़ताल की गई तो ईरानी नागरिक के बारे में पता चला। नागरिक याकूब वरदान को हिरासत में लिया गया है। जब उसके दस्तावेज को चेक किया गया तो उसके जो भारतीय वीजा की अवधि है वो 3 अप्रैल को समाप्त हो रही थी, लेकिन उसने कूटरचित तरीके से इसे बढ़ा करके 9 मई तक कर दिया था। संबंधित को इमिग्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा हिरासत में लिया गया है और उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। संत कबीरनगर जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में घूस लेते क्लर्क रंगे हाथ पकड़ा गया। एंटी करप्शन टीम ने क्लर्क को गिरफ्तार किया। बीएसए ऑफिस में तैनात क्लर्क सरतेंदु कुमार पर आरोप है कि उसने वेतन विसंगति को दूर करने के नाम पर शिक्षक से 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिक्षक कृष्ण चंद ने ब्लॉक क्षेत्र के नैना झाला प्राथमिक विद्यालय में तैनात है। पिछले 6 महीने से बीएसए कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं और इसी बीच उनसे रिश्वत मांगी गई। फिलहाल रिश्वत लेता बाबू गिरफ्तार कर लिया। बीएससी ने क्या कहा था आपने? तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं। एंटी करप्शन में कब शिकायत किया आपने? एक महीने से लगभग। इधर एप्लीकेशन दिए होंगे ना? एप्लीकेशन तो एक हफ्ते पहले दिए हैं। आपने बीएससी शिकायत क्या किया था? बीएससी कब शिकायत की थी, क्या की थी? कंप्लेन दरखास्त दिया था कि मेरा वेतन विसंगत कम है, हमको नियमानुसार हमको वेतन दिया गया। उधर हरदोई में सरेराह प्रेमिका की पिटाई से हड़कंप मच गया। पति के साथ दूसरी महिला के संबंध से नाराज पत्नी ने महिला की पिटाई कर दी। मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक महिला के द्वारा दूसरी महिला को लात घूसों से पीटा जा रहा है। हरदोई के कोतवाली शहर क्षेत्र के सांडी रोड का ये मामला है। चित्रकूट जनपद में जमीन के विवाद में चचेरे भाई ने अपने भाई को गोली मार दी, जिससे गोली लगने से भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। 9 बीघा जमीन को लेकर विवाद हुआ था। घर में अपनी गलियों की भूसा नहीं डाल रहा था, भूसा डाल रहा था। इतनी समय से 5 बजे आके बस मारने लगा। किस बात को लेकर? वो भाई ने अपनी ज़मीन बेच दिया है, उस ज़मीन को कह रहा है मेरे नामे कराओ, मुझे दो ज़मीन। भाई का उसका टेंशन है और वो कहानी मेरे साथ ऐसी किया। क्या किया आपके साथ? गोली मार दिया, पहले झापड़ दो, झापड़ मारा, फिर गोली मार दिया, गोली मार के भाग दिया। कि चचेरे भाइयों का आपसी पारिवारिक विवाद में एक दूसरे से झगड़ा हुआ, जिसके क्रम में एक भाई ने दूसरे भाई को गोली मार दी है। तत्काल जो है चिकित्सकीय परिचर्या हेतु पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से जिला चिकित्सालय रिफर किया गया। अभी जो मजरूब है उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। जो वांछित अभियुक्त है उसकी तलाश की जा रही है। तहरीर प्राप्त हो गई है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिए गए। पीलीभीत में थाना भिलसंडा क्षेत्र में जीजा और साले का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। बाइक से दोनों कहीं जा रहे थे, लेकिन देर रात तक जब नहीं लौटे तो पुलिस को जानकारी दी गई। सुबह दोनों का शव कैमुआ पुलिया के पास खाई में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
पुलिस कई पहलुओं से इस पूरी घटना की जांच में जुटी है। पीलीभीत में एक घर में विस्फोट के बाद आग लग गई। घर में रखा सारा सामान जल गया। विस्फोट के कारण घर की छत उड़ गई। मौके की गंभीरता को देखते हुए एसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे। जांच की शुरुआत कर दी गई है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। मकान का मालिक नेपाल में बिजनेस करता है और दूसरों को किराए पर घर दे रहा था। जो प्रारंभिक जांच की गई है, जो ब्लास्ट का पॉइंट है वो जहां पर फ्रिज रखा हुआ था उसके पास की जगह है, लेकिन फिर भी फ्रिज मैकेनिक को बुलाया जा रहा है। हमारी जनपदीय फॉरेंसिक टीम ने देख लिया और जो हायर फॉरेंसिक टीम है उसको भी हम लोग बुला रहे हैं। उसके बाद चीजें देखी जाएंगी, तब तक घटनास्थल को सील रखा जाएगा और जो भी चीज निकल के सामने आएगी, जो इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग है उसको भी चेक कराया जाएगा। जो भी चीज निकल के सामने आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हाथरस में सिकंदरा मऊ के गौरी शंकर हिंदू इंटर कॉलेज में बच्चे मिड डे मील के खाने में कीड़े मिलने के बाद शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बच्चों ने खाना नहीं खाया, इसकी शिकायत कॉलेज के मिड डे मील प्रभारी ने अधिकारियों से की। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि वो पूरे मामले की जांच करवाएंगे। मिड डे मील प्रभारी का कहना है कि एनजीओ कभी भी मेन्यू के मुताबिक खाना नहीं भेजता, साथ ही खाने में कीड़े निकल आते हैं, रोटियां कच्ची होती हैं। कई बार शिकायत के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ। कॉलेज में बेहद घटिया क्वालिटी का खाना भेजा जा रहा है, शिकायत बार बार हो रही है। एनजीओ है वो सही तरह से ना तो खाना भेज रहा है और उसमें खाने में कीड़े भी निकल रहे हैं, और बच्चे जब खाना खाने जाते हैं तो उनको खाना कच्चा होने की जो है जब शिकायत मेरे पास आती तो मैं इसकी शिकायत मैं ऊपर करता हूं और इस पर कोई जो है ठोस अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है। और जिस खाने में कीड़े भी निकले हैं उसकी हमारे पास फोटो भी पड़ी हुई है, यह रही हमारी फोटो और उसमें कीड़े निकलते हैं जिसकी शिकायत मैंने कई बार की और आज तक कभी भी जो है दूध नहीं आया विद्यालय में। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।